नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंस्पायरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। रिश्ते, रिश्ते वे गहरे होते हैं जिनमें बंधन व प्रतिबद्धता होती है, जो आपके अधूरेपन को पूरा करते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है माता पिता का उनके बच्चों से। पति पत्नी का जीवन बच्चों के बिना अधूरा होता है। जीवन का सबसे सच्चा रिश्ता पेरेंटिंग लव। पेरेंटिंग लव इज द ओनली लव दैट इज ट्रूली सेल्फलेस, अनकंडीशनल एंड फॉरगिविंग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ संबंधों के बारे में, और वो संबंध है माता पिता का उनके बच्चों से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आजकल के दौर में बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी अपनी माता पिता से दूरी बनती जाती है। कई बार बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि उनके माता पिता उनसे प्यार ही नहीं करते। ऐसे में दूरी और बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का आपसे रिश्ता मजबूत रहे, तो इन 10 आदतों को अपने डेली रूटीन में अवश्य शामिल करें। हर दिन उन्हें 10 से 12 बार गले लगाएं। When I tell you, I love you, I don't say it out of habit or to make a conversation. I say it to remind you that you are the best thing that ever happened to me. जी हाँ, सुबह उठने के साथ उन्हें प्यार से गले लगाएं, और जब वो सोने जाए तब भी आप उन्हें बाय कहें, या जब आप उनसे दोबारा मिले तब उन्हें गले लगाएं। उनके बाल सहलाने, पीठ थपथपाने जैसी छोटी छोटी चीज़ों से वो बहुत बेहतर महसूस करेंगे। उनके साथ खेलें, साथ खेलने और खिलवाने से वो आपके ज़्यादा करीब आते हैं। थोड़ा ही सही, दिन में उनके साथ खेलने के लिए समय ज़रूर निकालें। जब उनके साथ हों तो टेक्नोलॉजी से दूरी बना लें। अगर आप उनकी बात सुनने के लिए फ़ोन या टीवी ऑफ कर देते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो आपके लिए ज़रूरी हैं। आगे चल कर वे हमेशा इस चीज़ के लिए आपकी इज्जत करेंगे। बदलाव के समय उनके साथ रहें। बच्चे कई बार बदलावों के साथ सहज नहीं हो पाते। अगर आप किसी बदलाव के साथ सहज होने में उनकी मदद करते हैं तो उनके लिए बदलाव को अपनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। किसी भी बदलाव के समय उन्हें एहसास दिलाते रहें कि आप उनके साथ हैं। उनसे बात करने के लिए वक्त निकालें। पेरेंटिंग इज द बिगेस्ट सेक्रीफाइस वन कैन मेक। इट्स पुटिंग योर लाइफ ऑन होल्ड टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ योर चिल्ड्रंस टुमारो। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, बच्चों से अकेले में बात करने के लिए कम से कम 15 मिनट जरूर निकालें। उन्हें भावनाएं जाहिर करना सिखाएं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि बच्चे अपनी भावनाएं ठीक से जाहिर कर पाए। अगर वो रोना चाहे तो उन्हें रोके ना, बस एहसास दिलाएं कि आप उन्हें समझते हैं और उनके साथ हैं। हमदर्दी जताएं। गहरे रिश्ते बनते हैं जब लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं। इसी तरह आपको अपने बच्चे की बात सुनकर उसके प्रति हमदर्दी जताने की आदत बनानी चाहिए। उनके नज़रिए का सम्मान करें और अपनी बात उन पर ना थोपें। सीखने की जल्दबाजी में ना रहें। कई बार हम बच्चों को सिखाने में जल्दबाजी करने लगते हैं और उम्मीद करने लगते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। इससे बच्चे तनाव में रहते हैं और आपसे दूर होते चले जाते हैं। उन्हें अपने समय से चीज़ें सीखने दें और दबाव बिल्कुल न डालें। सोने से पहले उनके साथ समय बिताएं। सोने से पहले अपने बच्चे के साथ समय बिताएं और उससे उसके दिन के बारे में जानें। इस तरह आप उसके दोस्त बन जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसे एक रूटीन बना लें। बच्चों की ज़िंदगी के पलों में मौजूद रहें। बच्चों के लिए ये बहुत मायने रखता है कि आप उनके खास दिनों पर उनके साथ मौजूद रहें। चाहे वो स्कूल का कोई फंक्शन हो या कोई पार्टी, आपकी मौजूदगी उन्हें आत्मविश्वास से भर देगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जब आपके बच्चे की पढ़ाई, उसके स्वभाव को लेकर आप परेशान होते हैं, तो यह बात आप अपने किसी नज़दीकी दोस्त से शेयर करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वह आपकी मदद करेगा और आपको सही सलाह देगा। हो सकता है कि आपका यह सोचना सही हो, और ऐसा हो भी, पर आपने कभी ऐसा सोचा कि आपका बच्चा ऐसा सुनकर कैसा फील करता है? एक बार सोचिए, आप पति पत्नी के बीच की बात या घर की बात आपका बच्चा किसी और से कहे तो आपको क्या पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं। तो याद रखिए, इफ यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू इम्प्रूव, लेट हिम ओवर हियर द नाइस थिंग्स
यू से अबाउट हिम टू अदर्स। अपने बच्चे के बारे में अच्छी बातें करें। दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी है कि बच्चे खुद को आपसे जुड़ा हुआ महसूस करें और उन्हें लगे कि आप उन्हें समझते हैं। कोई भी रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही मधुर होता है। बच्चे भी खुद को अपने माता पिता के करीब महसूस करने पर ज़्यादा सहयोग करते हैं। उन्हें डांट कर, उन पर चिल्ला कर, उनकी आलोचना करके आप कभी ये मजबूत रिश्ता नहीं बना पाएंगे। उनसे मजबूत रिश्ता बनाने के लिए आपको हर रोज़ ये 10 चीज़ें करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे दिए गए टिप्स को अपना कर आपका रिश्ता और भी मधुर हो जाएगा। मैंने तो अपना काम कर लिया है, अब बारी आपकी है। ऐसा ही रिश्ता सभी माता पिता का उनके बच्चों से रहे तो प्लीज़ उन माता पिता को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपका रिश्ता अपने बच्चे से ऐसा ही है तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।